वही आनंद वाली बात है कि जहां पर संत हो, जहां पर सद्विचार हो, वहीं पर आप देखेंगे कि ईश्वर की अनुभूति आपको हो जाएगी और भारतवर्ष जो है वो अपने आप में बड़ी, यहाँ तो राम है, यहाँ तो कणकण में श्याम, कणकण में शंकर पड़ते हैं। हम पौधे भी पूजते हैं, नदियां भी पूजते हैं, सूर्य भी पूजते हैं, चंद्रमा को भी पूजते हैं, तारों की भी पूजन होती है, जो दिखता है उसको भी पूजते हैं, जो नहीं दिखता है उसको भी पूजते हैं। तो हमारी और आपकी जो पद्धति है और हमारे देश की जो संस्कृति है वो इतनी निराली और इतनी आकर्षक है कि हमने कहीं ना कहीं हम देखा जाए तो मूलतः हम प्रकृति पूजक लोग हैं कि प्रकृति का जो साकार स्वरूप है उसको भी पूजते हैं, प्रकृति का जो निराकार स्वरूप है उसको भी पूजते हैं। और कहीं ना कहीं आचार और विचार में एकता के संपादन के लिए हम लगातार प्रयासरत रहते हैं। अच्छा, आपने इतनी बड़ी बात कही प्रकृति को, तो हम इस पे गंगा जी की बात जरूर लेना चाहेंगे कि गंगा जी का अस्तित्व जो है लगातार खतरे में है और उस पे बहुत बड़े बड़े आंदोलन भी हो रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो रहा। आपका क्या कहना, आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं? पारिवारिक कहना ये है कि माँ यदि हमें साफ करती है तो एक पुत्र के नाते या एक पुत्री होने के नाते ये हमारा दायित्व हो जाता है कि यदि हमारी माँ गंदी है तो हम उसे साफ करें। माँ यदि हमें जीवन देती है तो एक पुत्र के नाते हमारा दायित्व हो जाता है कि हम उसे जीवन दें। माँ यदि हमारी सद्कामना करती है तो एक पुत्र के नाते हमारा दायित्व हो जाता है कि हम उनके लिए सद्कामना करें। तो ये कहीं कोई आंदोलन से अकेली बात नहीं बनेगी, आचरण से बात बनेगी। और हमको और आपको, क्योंकि दुनिया में इतने ग्रह हैं लेकिन पृथ्वी पर ही जीवन है, दुनिया के सारे ग्रह जो है वो पुरलिंग माने जाते हैं, स्त्री पृथ्वी को ही स्त्रीलिंग की संज्ञा दी गई है। तो जीवन चूंकि यहीं पर है, पृथ्वी पर ही है, और पृथ्वी पर जीवन क्यों है, क्योंकि पृथ्वी पर ही जल की उत्पत्ति है, इसीलिए हमने कह दिया कि जल ही जीवन है। तो निश्चित रूप से ये जो जल बह रहा है ये मात्र जल नहीं है, ये हमारा जीवन बह रहा है। तो यदि इसको हम गंदा करेंगे तो हम अपने जीवन को गंदा करेंगे, और यदि इसको हम सुधार लेंगे, इसकी धारा हम सुधार लेंगे तो हमारे जीवन की अपने आप धारा सुधर जाएगी। तो नजर को बदल दो, नजारा बदल जाता है, सोच को बदल दो, सितारा बदल जाता है, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदल दो, किनारा बदल जाता है। देखा आपने कि कश्ती बदलने की जरूरत नहीं, सिर्फ दिशा को बदलिए और किनारा बदल जाता है। गंगा माँ है तो उनको भी स्वच्छ रखना हमारा धर्म है। जी जी आलोक, और क्या कुछ चल रहा है वहाँ पर, कितने श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, आज 13वां दिन है, कितना फर्क नजर आ रहा है पहले दिन से लेकर अभी तक? यह देखिए, श्रद्धालु की जहाँ तक बात की जाए तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर आ चुके हैं, क्योंकि कल जो स्नान है, बड़ा स्नान है, पर्व स्नान है, उसके लिए जो श्रद्धालु, और सबसे बड़ी जो बात है, अब कल्पवासियों की जो संख्या है वो भी, उनकी जो आमद है वो भी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो है तो समय तो 12 से 15 लाख श्रद्धालु जो है वो अपने अपने गुरु हैं और जो अपने कल्पवास क्षेत्र वहाँ पे आ चुके हैं। जी चलिए आलोक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए। तो आलोक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे, आशुतोष राणा जो कि मशहूर बॉलीवुड कलाकार हैं, उनसे उन्होंने बात कराई। और आलोक का लगातार यही कहना है कि जो भीड़ है श्रद्धालुओं की वो लगातार जुट रही है और उत्साह कम नहीं हुआ है श्रद्धालुओं का, लगातार श्रद्धालुओं का आना, यहाँ पर डुबकी लगाना ये जो सिलसिला है ये जारी है। तस्वीरें देख रहे हैं आप, लाइव तस्वीरें हैं ये इलाहाबाद से, आज 13वां दिन है कुंभ का और भारी संख्या में श्रद्धालु जुट रहे हैं कुंभ में, संगम में डुबकी लगाने के लिए। संगम नगरी में लगे कुंभ मेले में आए श्रद्धालुओं ने